YouTube चैनल सोना का जहान और आज हम फिर एक और शानदार वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। एक बहुत ही प्यारी होम रेसिपी फटाफट वाली जिसमें हम बनाने जा रहे हैं आज दाल तुरई। दाल तुरई के लिए आपको थोड़े से तुरई चाहिए, पाव भर तुरई। आप इस तरीके से गोल गोल छोटे छोटे काट लीजिए, इतनी सी दाल ले लीजिए। और प्याज को एक तो बारीक काटने के लिए आप प्याज कटर का यूज़ कर सकते हैं, उसमें हरी मिर्चें भी डाल के उसको भी काट के यूज़ कर सकते हैं। और ये हमने जो है मूँगफली का बारीक पीस कर रखा हुआ है सेक कर, तो ये हम इसमें यूज़ करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, हमने 1 किलो अदरक लहसुन पीस कर रख लिया है, क्योंकि दो बजे अदरक लहसुन का पेस्ट हमें लगता ही है। तो दोस्तों तेल गर्म हो चुका है, उसमें हम डालेंगे सबसे पहले राई। अब हम डालेंगे इसके बाद थोड़ा सा हींग पाउडर, और हींग आप पुष्प की यूज़ कीजिएगा, बहुत ही अच्छी खुशबू है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है, ओरिजिनल हींग है। अब हम डालेंगे इसमें जीरा, क्योंकि रई हमारी बिल्कुल तिरक चुकी है। अब हम डालेंगे जीरा, और जीरा भी आपको 1 टेबल स्पून छोटी सी ये इतना ही डालना है। ये देखिए जीरा भी डल चुका है, और कितना प्यारा जीरा जैसे ही ब्राउन हो जाएगा। अब हमने डाला इसमें हींग पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे प्याज और हरी मिर्च बारीक कटी हुई, एकदम एक प्याज है बारीक कटा हुआ पूरा। ये देखिए दोस्तों हमारा प्याज जो है ब्राउन हो चुका है। दोस्तों हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं, और हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मिला रहे हैं इस तरीके से। और हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भूनना होगा ताकि फ्लेवर जो है अच्छे से आए। इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला हमारा जले नहीं। देखिए आपको इतने ही बारीक प्याज जो है चॉप करने हैं, प्याज कटर का यूज़ कर सकते हैं ताकि प्याज जो है ऊपर बहुत ही जल्दी हो जाए, टाइम नहीं लगेगा आपको। अभी हमने पानी ऐड कर दिया ताकि हमारा मसाला जो है वो जले। मैंने हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून 1 टीस्पून कर दें। आपको इतना नमक जो है उसमें ऐड करना, नमक अपने स्वाद अनुसार आप मिला सकते हैं, कम या ज़्यादा आप कुछ करें। इसमें मिलाएंगे धनिया पाउडर, ये देख लीजिए। अब आप गरम मसाला जो है वो भी मिला सकते हैं। पहले हम मिलाएंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर, और गरम मसाला हमने घर पे ही बनाया हुआ है, तो अगर आप चाहें तो गरम मसाले की रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता दीजिएगा आप वो रेसिपी जानना चाहते हैं क्या। दोस्तों हमारा मसाला जो है हमें अच्छे से मसाला भूनना है ताकि जो टेस्ट है वो प्रॉपर आए, और इसमें थोड़ा सा वाटर पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला हमारा जले नहीं। अब हम डालेंगे इसमें हमारा मूँगफली दाना पीसा हुआ, सेक के हमने पीस लिया था और उसे रख लिया ताकि सब्जियों में हम इसे यूज़ कर सकें। देंगे एक छोटा टमाटर ताकि फ्लेवर जो है खटास के लिए। जो हमने मसूर की दाल गलाई थी वो हमने आप इसमें डाल दी है, 2 चम्मच दाल आप ले सकते हैं। और तो इस तरीके से मसाले के साथ हमें भूनना होगा ताकि फ्लेवर अच्छे से आए। और हम इसमें डालेंगे कोथमीर बारीक काट के एकदम, ये देख लीजिए दोस्तों। और इसे भी मसाले के साथ थोड़ी देर भूनेंगे, इस तरीके से आपको इसे भूनना है। तो दोस्तों हमारी जो तुरई की दाल की सब्जी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। आपको इसमें 4 सीटी करना है, हमारी सीटी कंप्लीट हो चुकी है और हमारी सब्जी बन चुकी है। आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं, और आप इसके साथ चावल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डाइट करते हैं तो आप डाइट में चावल के साथ इसे खा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल सोना का जहां। थैंक यू।